स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन अफगानी। आइए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। एक प्रेशर कुकर में 750 ग्राम मटन लेंगे, एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन की पेस्ट एक छोटा चम्मच और 100 ml पानी ऐड करेंगे। पानी आपको इसमें इतना ही ऐड करना है जितने में आपका मटन पक जाए। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मटन को 90% तक पका लेंगे, ताकि मटन ओवर कुक होकर फ्राई करते वक्त टूटने ना लग जाए। ढक्कन खोलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ हो उसे मीडियम फ्लेम पर सुखा लीजिए। पानी सुखाते वक्त चम्मच कंटिन्यू चलाते रहे ताकि मटन नीचे से जल ना जाए। पानी सूख जाने के बाद मटन को निकालकर साइड में रख देंगे। एक मिक्सर जार में एक और आधा मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज लेंगे, 6 हरी मिर्च, 2 कम तीखी वाली हरी मिर्च, 10 से 12 काजू जिसे हमने गर्म पानी में 1 घंटा भिगोकर रखा था, 2 और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियां और थोड़ी कोथमीर ऐड करके इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। हमारा पेस्ट बनके तैयार है। एक बाउल में 300 ग्राम दही लेंगे, और 5 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। अब इसमें पहले तैयार किया हुआ प्याज का पेस्ट भी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, ये भुना हुआ और पिसा हुआ है, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, सफेद मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और आधा नींबू का जूस इसमें ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार है। अब इसमें पहले पका कर रखा हुआ मटन ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें 2 छोटे चम्मच घी ऐड कर देंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। एक पैन में 2 चम्मच खाने का तेल गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब आपको मैरिनेशन मिक्सचर में से सिर्फ मटन के पीसेस निकालकर उसे फ्राई करना है दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक। इस तरह से गोल्डन कलर आ जाने पर इसे निकालकर साइड में रखते जाएंगे। अब उसी सेम पैन में 3 चम्मच खाने का तेल गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तेल हल्का गरम हो जाने पर इसमें 2 इलायची और 3 लौंग ऐड कर देंगे।
अब इसमें जो बचा हुआ मैरिनेशन का मिक्सचर है वो ऐड करके 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। और फिर इसमें फ्राई किया हुआ मटन ऐड कर देंगे। अब इसमें 3-4 चम्मच पानी ऐड करके मिक्स कर लीजिए और फ्लेम को लो कर ढक्कन ढककर 4-5 मिनट के लिए पका लीजिए। अगर आपको ग्रेवी ज्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे बर्तन के बीच में हम जगह बनाएंगे और इसमें एक फॉइल रैप की हुई कटोरी रखकर इसे कोयले का धुआं देंगे 2-3 मिनट के लिए, जिससे इसमें एक बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और खाने में आपको इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगेगा। अब लास्ट में बारीक कटा हरा धनिया ऐड करके इसे मिक्स कर दीजिए। मटन अफगानी सर्विंग के लिए तैयार है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट रेसिपीज की अपडेट मिलती रहे।